मॉर्निंग सारे नु असी जा रहे हैं मणिकरण साहिब। मणिकरण साहब ठीक है, चलो आप आ जाओ हमारे साथ। हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी शायद हमने मनाली की, तो वो भी हमारा बहुत सुपर ट्रिप रहा, और अब हम यहाँ आए तो ये भी हम एंजॉय करके जाएंगे। आप सभी जाना मनाली, ठीक है। ओके ईशु मैम, आप ये बताओ कि जब हम ट्रैवल करते हैं मनाली में तो क्या क्या लेकर जाना चाहिए? लेकर जैसे वो डिपेंड करता है आप कौन से मंथ में जा रहे हो ना। जैसे हम अभी आए हैं, ये दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, तो इस मंथ में क्या होता है कि वहाँ पर स्नो पड़ती है, ठीक है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग सारी अपनी लाइक आप उनके क्लोथ्स, ठीक है, ग्लव्स, मास्क, कैप्स वगैरह और शॉल वगैरह और ब्लैंकेट आपके साथ होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। आपका मास्क तो है? मास्क भी है, वो तो कोरोना की वजह से मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा सा माहौल ठीक हो गया ना, तो अभी मास्क मैंने उतार लिया। और मेन थिंग कि आप अपनी खाने की चीज़ें स्पेशल, क्योंकि यहाँ पर मनाली में ऊपर कुछ भी नहीं मिलता खाने के लिए, अगर मिलता तो वो मिलती है मैगी, और वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। तो हम उसे मतलब कि वो प्रेफर नहीं करते, बट खाना पड़ता क्या करें। सो अपनी खाने वाली चीज़ें साथ लेके आनी है, और बस ये आओ इन्जॉय करो। बाय बाय, हमारी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अभी मणिकरण साहिब आ गए हैं, इधर देखो पानी और बहुत ही धुआं निकल रहा। काफी संगत आई हुई है, रश है काफी, पानी बहुत ही तेज है, आवाज तो सुनती पड़ी होनी है। निर्वैर देखती पई है पानी, इधर एंट्रेंस आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार, सतगुरु प्रसाद। इन्होंने इदा दिया पौड़िया तो उतरना थोड़ा जि औखा लगता।
लंगर आ रहा, लंगर चल रहा है। किधर जाना? इधर नीचे जाके जाओ, भोले शंकर माता पार्वती का मंदिर है, प्रसाद चढ़ाओ नीचे। सुहागी चुन्नी प्रसाद चढ़ाओ नीचे, लेके जाओ। इधर नीचे गर्म पानी बनता है, वो है गर्म पाउडर। इतने खाना बनता है, ये मंदिर भी है, इधर भी आने सारे लगे। इधर गर्म पानी है, इधर सारे लंगर बन रहे हैं। देखो पोटलियां बना के रखी हुई हैं, गर्म पानी के विच रख सकते हैं, ते बॉयल हो जाते हैं अगर इन्ना ज्यादा गर्म पानी है। देखो पोटली से रखी हुई हैं। इतने फ्लोर भी किन्ना गर्म आ, किन्नी स्टीम आ ना देख। कुछ नहीं नजर आता पाया मैं तो चंगी तरह। बस निर्वैर टच करो, देखो गर्म है, टच करके देखो गर्म है पानी। मैंने कभी भी ना हाथ लाने केड़ी नदी। देखो मणिकरण साहिब का इतिहास यह है कि इतने गुरु नानक देव जी आए थे 1574 दे विच, ते इन्हां दे बाबा जी दे नाल भाई बाला जी एंड भाई मरदाना जी भी सी। जदों इत्थे पहुँचे ते भाई मरदाना जी नूं बहुत भुख लग गई। भाई मरदाना जी गुरु नानक देव जी नूं कहिंदे कि मैनूं भुख बहुत लगी हुई आ, पर इत्थे रोटी पकाउण दा कोई साधन नहीं है। आटा ते है मेरे कोल पर कोई बर्तन भी नहीं है। फिर गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना जी नूं कहा कि आ एक पत्थर हटा। जदों भाई मरदाना जी ने पत्थर हटाया तां उहदे हेठों उबलदा पानी दा चश्मा जिहड़ा आ प्रगट होया।
फिर गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना जी ने कहा कि तू रोटियां बेल के ये पानी के उपर पाई जा। जो तो भाई मरदाना जी ने रोटियां बेल के पाइया तो वह डुबनिया शुरू हो गई। मरदाना हैरान हो गया, वह कहिंदा रोटियां तो डुब गई, मेरे को आटा भी इन्ना ही सी। भाई गुरु नानक देव जी ने फिर कहा कि तू यही अरदास कर। भाई मरदाना जी ने अरदास करन लई कहा ते कहा कि एक रोटी जिहड़ी आ उह रब्बरी रखो। यह अरदास करन तों बाद विच ही सारियां रोटियां जिहड़ियां उपर तर के आ गईयां। भाई मरदाना जी बहुत खुश होए ते उन्होंने भोजन छकिया ते अपनी जिहड़ी भुख उह मिटाई। एक इहदा इतिहास ये भी आ, भगवान शंकर जी ते माता पार्वती जी जिहड़े इत्थे तप करदे सी ते जदों पार्वती जी इशनान करन लगे तो उन्हां दी जिहड़ी मणि सी उह पताल लोक दे विच डिग गई। पताल लोक दे विच जदों डिगी ते उह शेषनाग दे कोल पहुँच गई। शेषनाग जिहड़ा सी उह मणि नहीं सी दिंदा ते फिर जिहड़े भगवान शंकर जी सी उन्हां दी गुस्से दे विच तीजी अख जदों खुली ते सारा जिहड़ा पताल लोक आ उह हिल गया। जो तीजी अख तीजा नेत्र जिहड़ा खुल्ला ते उहदे विचों नैणा देवी जी जिहड़े प्रगट होए। सो मणिकरण साहिब जिहड़ा नैणा देवी दा जन्म स्थान भी कहा जांदा आ। फिर बाद विच जदों शेषनाग नूं पता लगा ते उहने शंकर भगवान जी नूं जिहड़ी मणि सी उह वापस कर दित्ती।